मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मकर संक्रांति पर्व को महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में मनाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 15 जनवरी तक मनाए जाने वाले महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान सभी विभागों के माध्यम से महिलाओं को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो बीजेपी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले मकर संक्रांति का पर्व मध्य प्रदेश और सरकार के लिए बेहद खास हो गया है। बता दें कि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मकर संक्रांति को हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार इस पर्व को अपने ही अंदाज में मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में घर घर और गाँव गाँव जाकर सरकार की योजना पहुंचाई जाएगी। महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में केवल 4 जातियों का जिक्र किया है। हमारे अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने का ही कारण है कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ कोई बढ़ा रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने। उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां, और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो आपने लिए, अगर आपन अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार।